गाइस अभी हम लोग वापस आ रहे हैं ऊपर पार्किंग से नीचे होटल तक, और हमें एक भालू दिखा और नीचे कैब वाला भी बीच में दिखा कि नीचे और भी भालू। ये रहा गेट। एंड दिस इज डे टू। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और फाइनली देखो कितनी अच्छी मॉर्निंग हो गई है यहाँ पे। आगे रहो। और यहाँ पे शूटिंग चल रही है, फोटोग्राफी चल रही है। आज है डे टू गाइस। सो गाइस अभी हम लोगों ने स्टे करा है चौपटा के अंदर, जो ये वाली रोड है आप देख रहे हो, ये वाली रोड आ रही है, यहाँ से हम जा रहे थे। तो हमने ये वाला होटल देखा, बहुत ज़्यादा थके हुए थे, हालत ख़राब हो रखी थी, बिल्कुल भी उठा नहीं जा रहा था, नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा। सो हम लोगों ने सोचा कि यार चलो चलते हैं यहीं पे एंड स्टे करते हैं, खाना वाना खाते हैं। एंड खाने अभी मैं आपको होटल वगैरह के बारे में पूरा बता दूंगा, क्या लोग मतलब कौन सी जगह पे है। हमें वैसे ही रूम पड़ा है 1500 रुपये का ट्रिपल, अगर मैं दिखाऊँ तो ये वाला रूम है हमारा, सही है, गीज़र है, खाना बहुत अच्छा है यहाँ का, 3 बंदे रह सकते, डबल बेड है और एक सिंगल बेड है यहाँ पे। एंड होटल सही है, अच्छा है, ऐसी जगह पे अगर आपको ये ऐसा स्टे करने को मिल रहा है सो बहुत सही है, हमें अच्छा लगा तो हम लोग रुक गए। अभी हम लोग बस तैयार हो रहे हैं, फटाफट से निकल रहे हैं, टाइम हो रहा है 7:40, ऑलरेडी लेट है यार, आधे पौने घंटे का रास्ता है यहाँ से ट्रैकिंग का तुंगनाथ की। सो फटाफट से गाइस तैयार होता हूँ, मिलता हूँ, होटल का नाम अभी आपको दिखाऊंगा, प्राइस बता चुका हूँ और ये भी झांक रहे हैं अंदर से। मिलता हूँ गाइस आपसे। हम लोग हो चुके हैं तैयार सारे के सारे, ऊपर ब्रेकफास्ट करने आए थे एंड ये इनका छोटा सा रेस्टोरेंट बना हुआ है। व्यू देखो गाइस यार, बहुत अच्छा व्यू है, मुझे तो होटल बहुत अच्छा लगा। फटाफट से खाते हैं फिर निकलेंगे हम लोग ऊपर। ये सारे भूखे लोग बैठ चुके हैं खाने के लिए। कैसे लगा पराठे? बढ़िया है भाई। हमने रूम वूम बंद कर दिया, यहाँ से निकल रहे हैं बस पैकिंग के लिए। हाँ जी भैया मैं बता रहा हूँ शाम के खाने के लिए आपको नंबर ले लेते हैं, क्या है क्या नहीं, नंबर नहीं मैं बता देता हूँ क्या क्या है जो भी लेना होगा रात को, क्योंकि यहीं रुकेंगे रात को तो आके। और गाइस ये हमारा होटल था चौपटा व्यू लग्जरी रूम, क्योंकि रोड से मेन रोड से आते ही अब निकल रहे हैं वहाँ के ट्रैकिंग को। भाई खाने वाने का देख लो। सो गाइस हम लोग निकल चुके हैं ऊपर, थोड़े से लेट हो गए हैं, 9:15 हो गए हैं, जल्दी निकलना था, अंधेरे से पहले वापस आना है हमें। देखते हैं कितनी दूर है, बोला तो है कि पौना घंटा लगता है यहाँ से जाने में ऊपर। रोड्स देख सकते हो आप, कल दिखाई थी मैंने आपको, बहुत छोटी रोड्स है, ट्राई करते हैं जल्दी जाने के लिए। बस ऑलमोस्ट गाइस 3 से 4 किलोमीटर बचे हैं ऊपर पहुंचने के लिए चौपटा के लिए, जो ट्रैकिंग के लिए है। आपको जगह दिखाता हूँ गाइस, द बीच में हम लोग 2 मिनट के लिए रुके थे पानी वानी पीने के लिए। व्यू देखो सारे स्नो के माउंटेन्स दिख रहे हैं। यहाँ से आए हैं हम लोग, यहाँ से नीचे से फोटोज वोटो चल रही हैं ऑलरेडी सबकी। अभी हमें थोड़ा सा और आगे जाना है। हम लोग गाइस पहुंच चुके हैं पार्किंग में चोपटा की। ये लगाई हमने अपनी गाड़ी, सारे बैग बैग टांग के तैयार और बस निकल रहे हैं ऊपर। ये रहा गेट। लास्ट मोमेंट पे जो लोग काम बताते हैं मुझे गुस्सा आता है। टायर में डाल देना। ये लगा इस गेट, यहाँ से हम लोगों ने चढ़ाई करनी है, होपफुली फिंगर्स आर क्रॉस्ड चढ़ जाए बस। पड़ा था पीछे एक बार क्या बॉटल? नहीं अच्छा ये दो ही थी ना। चलो गेट पे फोटो। चलो ओए तेरे भाई वो बैग मेरे, वो ये ले फिर से जो यार फोटो खिलाएंगे गेट पे। अभी चढ़ जाती हूं मैं उसके ऊपर ही। सार तक मेरा ट्राई कर।
चढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है और अभी से ही हालत खराब हो गई। मैं तो अभी थक गया। थक गए यार, पता नहीं कैसे चढ़ेंगे। और सारी चढ़ाई ऐसी है खड़ी, देखते हैं चढ़ाई करिए, पहुंचना तो पड़ेगा ही। अब बढ़िया व्यू देख के ना मज़ा आ रहा है। बहुत कम लोग हैं बिकॉज जैसे मैंने पहले भी बताया था कपट बंद हो चुके हैं, बट लोग कपाट बंद हो चुके हैं, बट फिर भी लोग जाते हैं ऊपर देखने के लिए। एंड यहाँ पे हमारा भी यही था, तो चंद्रशिला पीक जाएंगे ऊपर, तो तुंगनाथ भी हो लेंगे, बाहर से दर्शन कर लेंगे। अभी 1 किलोमीटर भी नहीं हुआ होगा। कितना पीस है यार, बहुत शांति है। ये नॉर्मल रास्ता है और यहाँ से हम लोगों ने शॉर्टकट लिया है जो सीधा ऊपर जाएगा यहाँ पे। और वहाँ जाना है, ऐसी चढ़ाई है सीधा खड़ी। गाइस आप लोग नॉर्मल भी जा सकते हो, शॉर्टकट ले सकते हो, जिसको पता हो। हम लोगों ने पहले भी ट्रैकिंग की हुई है बहुत, तो आइडिया है कैसे चढ़ना है, इतना नहीं है बट यस पता है, तो हम लोग शॉर्टकट ले रहे हैं। यहाँ से चढ़ाई ली थी हम लोग, यहाँ से सीधा ऊपर आए हैं। फट लग गई, थोड़ा रेस्ट करा है और फिर ऊपर। कैसा लगा? एडवेंचरस। आ रहा हूँ। चलो गाइस लेट्स गो यार। चलिए सर, ये उत्तराखंड का बंदर जहाँ मर्जी चढ़ा लो, भगता हुआ चढ़ता है। ट्रैकिंग मैं फोटो खींची थी तुंगनाथ की, मुझे पूरी स्टोरी नहीं पता थी क्या है एक्चुअली। इतना तो पता है पंच केदार में से एक है। और एक बात बताऊं, सबसे हाईएस्ट पे यही है एक शिव जी का, इससे ऊपर नहीं है वर्ल्ड में जो पंच केदार है। ठंड इतनी नहीं है, हवा चल रही है ठंडी, वैसे धूप है। और आप लोगों ने अगर अब तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, सारी नोटिफिकेशन आएंगी। ऐसे ही एडवेंचरस ट्रिप्स पे हम लोग जाते रहेंगे, बहुत चीज़ें कवर करनी है अभी। चलो चलो चलो, अभी बहुत आगे है यार। ये स्नो पड़ी है, क्या पड़ा है ये? ऐसे देख रहे हो स्नो पड़ी हुई है, कलर भी चेंज हो गया बहुत पहले से। यहाँ पे टेम्परेचर इतना ही रहता है। थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। बहुत हालत खराब हो गई है, बिल्कुल सीधी चढ़ाई है। और ये आदमी वीडियो शूट कर रहा था मेरी विदाउट स्टार्ट करे, सब कुछ जा चुका है। ये देखो गाइस ये ट्रैकिंग, और ये देखो जन्नत। यहाँ से आ रहे हैं हम लोग, यार हद हो गई है तो। कोई नहीं, हो गया। अरे नहीं यार, मैं बच्चे चला गया, बच्चे का, मेरे बच्चे का जा जा बना गया। अबे रहने दे, कर लेगा यहाँ से सीधी, हैं चढ़ जाएगा, जा फिर।